से पहले बूढ़ा हो गया। लगा लगा और शर्मा जी के रचनाक्रम पर केंद्रित है वो विमोचन। वहां दो पुस्तकों का हाउस ऑफ कॉमर्स में होगा और एक पुस्तक का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में होगा। देखिए ये एक तीन दिन की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन और लंदन की साहित्यिक संस्था है जो 20 वर्ष से वहाँ हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही है, जिसका नाम है कथा यूके। इन तीन संस्थाओं के और विश्वविद्यालयों के सहयोग से इस तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है यूके में प्रवासी हिंदी साहित्य। प्रवासी हिंदी साहित्य वो साहित्य है जो हमारे भारतवंशी मूल के रचनाकार थे जो किन्हीं किन्हीं कारणों से जाकर विदेशों में बस गए, तो हमारे इन रचनाकारों का अवदान इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि वे विदेशों में रहकर हमारे भारत के प्रतिनिधि के रूप में, हमारे हिंदी के सांस्कृतिक अग्रदूत के रूप में, हमारे हिंदी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विदेशों में कहानी कथा के माध्यम से अपना परचम फहराए हुए हैं। हमारा भी ये दायित्व तो बनता है कि जो कार्य वे लोग कर रहे हैं वहां रहकर उस कार्य को प्रकाश में लाएं। इस दृष्टि से हमने इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है जो तीन चरणों में होगी। पहला चरण हाउस ऑफ कॉमन्स में होगा जो लंदन की संसद है, दूसरा चरण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में होगा और तीसरा चरण इसका आगरा विश्वविद्यालय में समापन होगा 24 नवंबर को।